कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वणि मंगलम कुंद कुंदा द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम अमो लोए सवसाहूणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 टाइम्स नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हम चैप्टर 14 पर हैं इस समय, है ना। हमने बहुत समय पहले कर्म कैसे करें शुरू किया था, ये जानने के लिए कि हम जो करते हैं, है ना, मन वचन काय की क्रिया, उसको कर्म कहते हैं। उनको कैसे करना, हमारी जो मन वचन काय की क्रिया है, हम उसे कैसे करें, ठीक है। तो उसको हम बहुत धीरे 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 जान रहे हैं, क्योंकि सभी इसमें बताई हुई बातों को फिर अपनी लाइफ में देखते हैं झांके, कि यही सिचुएशन जब हमारी लाइफ में आती है तो हम कैसे हैंडल करते हैं। तो महाराज जी ने इसमें एवरी पॉसिबल सिचुएशन को यहाँ पर इस बुक में कह लीजिए कि डालने की कोशिश की है। इससे ज्यादा कुछ हमारा अलग से किसी के लाइफ में सिचुएशन होती हो जिसका कि हमें जवाब ना मिल पाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर हमने जो पिछली क्लास है, अभी हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा है आयु कर्म के बारे में, ठीक। आयु कर्म क्या करता है, हम 4 गतियों में घूमते हैं, ठीक है। गतियाँ क्या होती हैं, हम किस तरह की शेप में या किस तरह की कैटेगरी में घूमेंगे, घूमेंगे इन द सेंस जन्म मरण हमारा होगा, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पर ह्यूमंस होते हैं, है ना, एनिमल किंगडम है, और उसके अलावा 2 और है, नरक और स्वर्ग, ठीक। तो ये 4 होते हैं। अब हम किस में जाएंगे, ये हमारा करंट डिसाइड करता है, करंट टाइम लाइफस्टाइल डिसाइड करता है हम किस में जाने वाले हैं। तो अगला लाइफ हमारे हाथ में है, हम कैसा चूज करते हैं। अब अगर हमें पता ही ना ही हो तो हम क्या करेंगे, हम आज को इंजॉय करेंगे और कल की चिंता नहीं करेंगे, है ना। और इंजॉय नॉर्मली आज का जो पंचम काल चल रहा है, इंजॉय किस में माना जाता है, लग्जरीज में, विषय सामग्री में, इकट्ठा करने में, है ना। तो इतना इंजॉय करने में अगर हमारा दिमाग रहेगा तो फिर आचार्यों ने हमें बता दिया कि बहुत ज्यादा अगर बहु आरंभ और परिग्रह करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, ठीक है। और भी बताया कि हमारा लाइफस्टाइल अगर ऐसा है, हम दूसरों को धोखा देते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, तो हमें तिर्यंच यानी एनिमल बनना पड़ेगा, ठीक है। अब बात चल रही है हमारे पास मनुष्य कैसे बने, हमें लट से हम किस तरह के काम करें कि हम अगले भव में मनुष्य बने, अगली लाइफ में भी, है ना। अभी हम मनुष्य हैं तो हमें एटलीस्ट ये पता हो कि हमने पास्ट में क्या ऐसा किया था, प्रीवियस भव में तो कुछ करके आए ना, तो क्या ऐसा किया था कि हम मनुष्य बने, ठीक है। हो सकता है हम मनुष्य ही थे फिर से मनुष्य बन गए, हो सकता है हम देव में थे तब मनुष्य बने, और हो सकता है पिछले, उससे भी पिछले किसी लाइफ में हमने इस तरह के परिणाम किए थे कि आज हम मनुष्य बने। जरूरी नहीं है इमीडिएटली पहले वाला ही हो, उससे पहले तक भी कर्म इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसा ध्वनि करते हैं, जैसा हम वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेशन क्या होती है, पूरे यूनिवर्स को एक डोम की तरह बताया, ठीक है। तो जिस तरह से हम एक बंद कमरे में बड़ा ऊंचा सा डोम हो, कहीं पर आपने नोटिस किया हो मंदिर वगैरह में गुंबद होते हैं, डोम होते हैं, तो वहां पर अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो आवाज रिपीट होकर आती है, ठीक है। तो हम जो भी आवाज करते हैं वो हम तक लौटती है, ये एक साइंस है। ऐसे ही हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट होती है, हमारे कर्म करने से,
हमने जो मन वचन कहे कि अभी कुछ भी रिएक्शन किया वो हमारा कर्म कहलाता है, उससे वाइब्रेशन होती है। ठीक, तो वो वाइब्रेशन जो है यूनिवर्स में जाकर और हम तक ही वो वापिस आती है मल्टीपल होकर। ठीक है, हमने अच्छा वाइब्रेट किया तो अच्छा वाइब्रेट रिवर्स होकर आएगा, हमने बुरा किया तो बुरा होकर आएगा बहुत फोर्स के साथ। ठीक, तो अब हमें सबको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, हमें तो अच्छा तो चाहिए, हर एक को चाहिए रहता है अच्छा, है ना। वो भले कितना भी दूसरे से बुरा व्यवहार करते रहे, अपने से हमें हमारे साथ सब अच्छा ही करने चाहिए, ऐसा हमारे अंदर परिणाम होते रहते हैं। ठीक, तो क्या कहा उसके बाद आचार्यों ने कि मनुष्य बनने के लिए जो परिणाम करने होते हैं वो बहुत रेयर है, इसीलिए मनुष्य बनना बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, तो कैसे रेयर परिणाम होते हैं या बहुत हार्ड होते हैं वो करने? अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का कारण है। ठीक है, अल्प आरंभ मतलब कम हिंसा करना और कम ही परिग्रह करना, मतलब अपनी जरूरतें कम रखना। ठीक है, मिनिमलिस्ट कहते हैं ना जिसको, है ना, और बहुत अपने आप में सेटिस्फाई रहना। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वही कर पाएगा जो अपने आप में सेटिस्फाइड है, जिसको हाव हाव नहीं लगी है कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, है ना। जिसको जो मिल गया अब उसको उसके बारे में सोच नहीं है, तो क्या होगा, तब जाके उसको कहा जाएगा वो संतोषी है। संतोषी मतलब सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अगर आज की डेट में हम संतोषी हैं तो मानिए कि हम अगले भाव में भी मनुष्य बनने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि संतोषी है और व्रत उपवास भी कर रहा है तो नियम से देव बनेगा, एटलीस्ट एनिमल और नरक में नहीं जाने वाला कोई भी जो संतोषी होता है। ठीक है, तो इतना मैटर करता है हमारी लाइफ, आगे हम दुख उठाने वाले हैं सुख उठाने वाले हैं, वो हमारे आज के लाइफस्टाइल पर डिपेंड करेगा। और ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये हम बहुत अर्ली स्टेज से पिकअप करना शुरू कर देते हैं। हमारे फैमिली का एटमोसफियर कैसा है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हर टाइम कंपटीशन में लगे रहते हैं, चीजों को इकट्ठा करना, मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे ये कमाना है, इस तरह के हमारा फ्रेंड सर्कल है, तो हमें लगेगा अरे हम ये पीछे ना रह जाएं, हम भी ये भी करना चाहिए ये, तो आप उस तरह की एक रेस में पड़ जाएंगे। चारू कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, जी 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 आपने अल्प आरंभ बोला, वो एक बार फिर से बता देंगे क्या? अल्प आरंभ, आरंभ का मतलब होता है हिंसा। ठीक है, तो अपना घर चलाने के लिए जो बेसिक जरूरतों के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है, जैसे हम गैस जलाते हैं, है ना, खाना पकाने के लिए। तो गैस क्या है, अग्नि का एक जीव है, एक इंद्रिय है। ठीक है ना, वनस्पतियां हम खाते पकाते हैं वो भी। तो इस तरह से जो गृहस्थी चलाने के लिए हमें थोड़ी बहुत हिंसा करनी पड़ती है, उसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहे। आरंभ मतलब हिंसा, राइट, अल्प मतलब थोड़ा। ठीक है, और यही इसका ऑपोजिट कर दे, बहु आरंभ, बहुत ज्यादा हिंसा, जितने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हिंसा करना, अननेसेसरी बाकियों को तकलीफ पहुंचाना, जैसे अपना मनोरंजन का मन हुआ, अपना एंटरटेनमेंट करना है, और लगे दो मुर्गों को लड़ाने, बेचारे वो मुर्गे लहूलुहान हो रहे हैं, मर रहे हैं, बिल्कुल बेहाल हो रहे हैं, और हम यहाँ पर ताली बजा रहे हैं। समझ रहे हैं आप किस तरह से भाव हो जाते हैं, दूसरे को तड़पता हुआ देखकर खुश होना, वो क्या है, वो किससे परिणाम है, नरक जाने के। कल को हम ऐसी तड़पेंगे और दूसरे नार की ताली बजाएंगे। ठीक है, तो आज ही हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि हम अपनी जिंदगी मिनिमल उसमें चलाएं ताकि दूसरे को हमसे तकलीफ ना हो। ठीक है ना, चारू जी, एक बार मुझे छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। तो जरूर। जैसे अग्नि को हम जैसे जीव बोल रहे हैं, तो वो भी तिर्यंच गति में होते हैं?
बिल्कुल सही है। जो वनस्पति होती है, जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, उनको तिर्यंच में रखा है। सही, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो समझा आपने कि किस तरह से हमारे भाव होते हैं, तब जाके हम मनुष्य बनते हैं। तो आज अगर हम मनुष्य हैं तो हमने बहुत शांत भाव रखे होंगे, ठीक है। और स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव हमारा, स्वभाव क्या होता है, हमारा बिहेवियर, ठीक है। हमारा बिहेवियर कैसा रहा होगा, उसमें बहुत मृदुता रही होगी। मृदुता क्या, कोमलता, सरलता, है ना। ये बात अपन ने लास्ट टाइम करी थी, तो अपन ने ये भी कहा था कि अगर किसी को शेयर करना है कि कोमलता सरलता से उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो फील फ्री, अभी आप खुद कर सकते हैं। अगर किसी ने भी इसके बारे में थॉट प्रोसेस दिया है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड शेयर योर थॉट्स। कोमलता और सरलता से क्या समझे आप, कोई या समझ रहे हैं, हो सकता है ना भी जरूरत टाइम दिया हो, अभी की अभी अगर किसी को इस पर शेयर करना है कि आप कोमलता और सरलता से जो जीवन जीने की बात कर रहे हैं उससे क्या समझते हैं, किस तरह का जीवन होता होगा। हाँ वर्षा जी, आपने, जी, कोई भी परिस्थिति हो तो हमें संयम धारण रखना है, शांत रहना है, अपने आप से कोई भी रिएक्शन नहीं लेना करना है, मतलब। तो ये हमारी सरलता होगी, कुछ ही होता रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ऋतु, आप क्या शेयर करना चाहेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। मैं यही अभी मेरी कोशिश यही रहती है कि सरलता में मैं चाहती हूँ कि मैं हर समय समता भाव धारण करने की कोशिश करूँ, और जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर रहने का मतलब अपना लाइफस्टाइल करने की कोशिश करूँ। हाँ, जैसे अंदर से वैसे ही बाहर, उसे सरलता कहते हैं, है ना। सरल, सीधे साधे, आपने डील भी किया होगा सीधे साधे लोग, कई बार अपने मुंह से निकल जाता है ना, वो बहुत सीधा है ना। इसका क्या मतलब है कि हम जानते हैं सरलता क्या होती है, भले ही हम शब्दों में ना कह पाए, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस की चीज है, सीधा होना। और सीधा होना भले ही आज की दुनिया के हिसाब से गलत हो, लेकिन हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, सरलता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी को अपनी लाइफ में शांति चाहिए तो उसे सरलता से ही हासिल किया जा सकता है, क्योंकि सरल व्यक्ति क्या होगा, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेगा कि मुझसे किसी को तकलीफ ना हो जाए, है ना। वो क्या करेगा कि छोड़ो यार, मुझे नहीं तक इस झगड़ों में पड़ना, है ना। दैट इज सरलता, ठीक है ना। तो जब वो दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ेगा, दूसरे से अननेसेसरी पंगा नहीं ले रहा है और अपने काम में लगा है, तो जो उसको समय मिलेगा वो अपने ही एनालिसिस पर लगाएगा, ठीक है ना, और अपने ही जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो आप। तो सरलता क्या हो गया, एक तरह से हमारा फाउंडेशनल बिहेवियर हो गया, हमारा मस्ट बिहेवियर जो होना ही चाहिए, तब जाके हम अपना कल्याण कर पाएंगे। और उसके लिए एक अलग से सूत्र बना दिया, स्वभाव मार्दवम च, दैट मीन इट इज दैट इम्पॉर्टेंट कि आचार्यों को स्पेशली लिखना पड़ा कि हमारे स्वभाव में मृदुता, कोमलता होनी जरूरी है। कंपैशन जिसे कहते हैं ना, है ना, कोमलता होनी जरूरी है। अगर हम जैसे मुर्गे की लड़ाई का एग्जाम्पल ही ले लें, राइट, अभी हम किसी किसी को देखते हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सरलता नहीं है, कोमलता नहीं है उनके अंदर। वो मुर्गों के अंदर क्या भाव चल रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो चीज को वो फील नहीं कर पा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, कठोरता, ठीक है ना। तो दूसरे के दुख को समझ पाना, फील कर पाना, ये क्या है, कोमलता, ठीक है। और हमारे अंदर सरलता मतलब टेढ़ापन नहीं होना, हमें बात अच्छी नहीं लगी हमने बोल दी, लेकिन ऐसी कड़वी बात भी नहीं बोलना कि नहीं, हमें तो बोलनी थी, चाहे वो कड़वी लगे चाहे अच्छी लगे बुरी लगे, हमें तो बोलनी थी, उसे सरलता नहीं कहेंगे। कड़वा नहीं बोलना, हित मित प्रिय बोलना, नहीं तो चुप रहो, है ना। तो सरलता का मतलब हल्का सा भी हमारी वजह से दूसरे को चोट ना पहुंचे, ऐसे भाव अंदर में बने रहे तो हम क्या कहेंगे इसे, कोमलता और सरलता।
ये हमें आचार्य कह रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य, महावीर भगवान का संदेश है ये, है ना। तत्वार सूत्र, जहां से ये सूत्र आया, स्वभाव मार्दवम च, कोई अपने आप से बना के नहीं लिखा है, उमा स्वामी हुए जिन्होंने तत्वार सूत्र लिखा आज से 2000 साल पहले, ठीक। और वो जो कुंद उमा स्वामी थे, वो कुंद कुंद स्वामी के शिष्य थे, कुंद कुंद स्वामी ने, जिन्होंने समय सार जी जैसे ग्रंथ लिखे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, है ना। तो इसलिए हमें इन सब पर भरोसा करके, भले ही हमें हो सकता है तकलीफ भी उठानी पड़ जाए, जो सरल होते हैं वो मोस्टली दुनिया में आज के पंचम काल में तकलीफ उठाते हुए पाए जाते हैं, लोग उनका मिसयूज करते हुए पाए जाते हैं, उनको ठेस पहुंचती है, उनको दर्द होता है कि लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, बना रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी आचार्य क्या कहते हैं, मुनि महाराज क्या कहते हैं, इट्स ओके, लेट इट बी, बनाने दो उन्हें बेवकूफ, मेरे को अपनी सरलता नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि सरलता छोड़ दी हम भी उनके जैसे बन गए तो हमारी भी गति बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा, है ना, और हमें आसपास क्या दिखाई देता है, गौर से देखें तो हमारे जीवन में कितना अधिक हमारे द्वारा किया जा रहा है पाप, है ना। अगर हमें ना पता हो, बहुत ही कम होता है ऐसा जो बाय नेचर कोमल और सरल हो। हमें पाप करते हुए लोग दिख रहे हैं तो हमें लगता है इट्स ओके, सभी तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे समय में पैदा हो गए जहाँ पाप अधिक है और अच्छे कार्य और पुण्य कम होते हैं, है ना। ये भी एक हमारे साथ बहुत बड़ा इशू है। तो इतना ही नहीं, हमारे स्वभाव में मृदुता के स्थान पर किसी दूसरे के प्रति कठोरता का व्यवहार होता चला जा रहा है। कई बार हम लोग कुछ बातें जो हैं, हमारी इंटेंशन भले ही ना भी हो, लेकिन हमारी आदत ऐसी पड़ जाती है कि मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो दूसरे को बुरा लग जाए, है ना। इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी कठोरता का ही व्यवहार कहा है। नो मैटर व्हाट, दूसरे को अगर तकलीफ हुई है हमारी वजह से तो हमारा व्यवहार कठोर है, ठीक है। तो हमें अपने स्वभाव में मधुरता को लाना होगा। हमारी आंखों में भले ही आंसू आ जाए दूसरे की तकलीफ देख के, तो वो तो पुण्य का बंद होगा, है ना। और अगर दूसरे की हंसी देखकर आंसू आ जाए तो पाप का बंद हो। इसका क्या मतलब है, हमारे अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ईर्ष्या से हम अपनी गति बिगाड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, हम तिर्यंच आयु का बंद कर लेंगे। क्योंकि जो दुख मानता है, आंसू बह रहे हैं, या तो आंसू खुशी के होंगे या आंसू दुख के होंगे, है ना। दूसरे को बढ़ता देखकर अपने आंसू टपक रहे हैं तो इसका मतलब अंदर ही अंदर सहन नहीं हो रहा, ठीक है ना। हम, हमारी जो सोल है, हम जो हैं इंटरनल, हम उसके अंदर क्या है, अनंत प्रेम है, अनंत ममता है, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी हमने अपने आप को बाहर से कठोर बना लिया है, ठीक है। किस वजह से, हमारी अज्ञानता से, हमारे संस्कारों की वजह से और हमारे एनवायरनमेंट की वजह से। हम इन सारी जो क्वालिटीज थी ना, हमारी इननेट क्वालिटीज, हमारी आत्मा के जो गुण थे, उनको तो हम एक साइड पर रखे चले जा रहे हैं और सिर्फ जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे कंपीट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम उनके जैसे बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जो जैन श्रमण संस्कृति है, साधना का मार्ग है, वो साधना क्या है, वो यही साधना है कि अपने आत्मा के गुणों को पहचान कर उनको ही पाने की कोशिश करना, यही साधना का मार्ग है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि आज की डेट में 0.0001% लोग भी ऐसे नहीं रहे जो इस बारे में सीरियस हो, अपनी आत्मा के गुणों के बारे में सीरियस हो। ऐसे लोग बहुत कम हैं, गिने चुने, राइट। और मोस्टली क्या है, 99.9999% सिर्फ कंपटीशन में, कमाने में, इकट्ठा करने में अपना समय बिता रहे, ठीक है। तो ये चीज हमें बहुत दृढ़ होना पड़ेगा और ऐसे ऐसे लोगों से जुड़े रहना होगा जो हमें याद दिलाते रहे हमारा गोल है क्या,
हम आज मनुष्य हैं तो हमने ऐसा क्या किया होगा, है ना। फिर एक और चीज पर हमें बात करनी है कि ये जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, करेज आता है, साहस आता है अपने आत्मा के गुणों की तरफ बढ़ने का, तो उस प्रोसेस में जो संतोष चीज है ना, ये कैसे काम करती है, क्या है ये, है ना, और क्या चीज है जो हमें काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया, संतोष के मायने हैं, मायने मतलब मीनिंग, संतोष के मायने हैं जो प्राप्त है उसमें आनंदित होना। ठीक है, हर एक को कुछ ना कुछ तो मिला है लाइफ में, और कुछ नहीं मिला तो हम कहें हमारी फैमिली हमारे पास है, फैमिली भी नहीं है तो लेट से हमारा बॉडी हमारे पास है, हमारे हाथ पैर, हमारी सेंसेस, हमारे ब्रेन, बहुत सब कुछ है हमारे पास, है ना। तो क्या कहा, संतोष के मायने है जो प्राप्त है उसमें आनंदित होना। ठीक है, इसका नाम ही संतोष है। और इतना ही नहीं, और भी क्या है, अपने जीवन से अधिक मूल्य वस्तुओं को नहीं देना। ठीक है, तो हम जब भी देखें लाइफ जो है, हमारी लाइफ क्या है, हमारी सोल ही हमारी लाइफ है, तो गिवन अ चॉइस, जब कभी चॉइस हो हमारे पास, तो अपनी आत्मा के गुणों को कभी भी डिस्ट्रॉय होने से हमें रोकना है। कभी भी ऐसे संस्कार ना पड़ जाएं हमारे अंदर जैसे लालच के संस्कार हैं, है ना, बहुत ज्यादा चीजों को बचा बचा के रखना कि यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, इस तरह का, है ना। तो ये क्या हो गया, अपने जीवन से अधिक मूल्य हमने किसको दे दिया, वस्तुओं को। तो कई लोग सोच सकते हैं कि भाई हम नहीं खर्च रहे तो क्या बुरा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए, आप खर्च नहीं रहे हैं लेकिन कमा तो रहे हैं, और अगर कमा रहे हैं और खर्च नहीं रहे तो आप उनको जमा कर रहे हैं, और जमा कर रहे हैं तो हर समय आप उनके बारे में सोच भी रहे हैं। आप सोच रहे हैं तो समय किसका जा रहा है, आप ही का समय जा रहा है, जो आप समय अपनी आत्मा के लिए निकाल सकते थे, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड, ईच एंड एवरी मोमेंट इट्स रिड्यूसिंग, सब एक लिमिटेड टाइम लेकर इस जीवन में आए हैं, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, इस समय सारा का सारा मूल्यवान समय जो है वस्तुओं के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए हमें, ठीक है ना। और तीसरी चीज, संतोषी किसे कहेंगे, कि जो प्राप्त नहीं हुआ उसको लेकर मन में कोई सोच नहीं होना, विच इज वेरी हार्ड दीज डेज, ठीक है ना। और स्पेशली जब थोड़ी कषाय एक्स्ट्रा हो ना, लालच की या मोह की या क्रोध की, तब अपने, हो सकता है आप में से कोई ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जब कुछ नहीं मिलता है ना, तो कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, जब तक कि वो चीज की जगह कोई और चीज ना ले ले, अरे ये मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिल जाता, उसके पास है, मुझे भी लेना था, मैंने ये छोड़ क्यों दिया, महंगा सोच के छोड़ दिया, अरे ले लेते उसी टाइम ले लेते, समझ रहे हैं आप। तो बार 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 उसी का चिंतन करते रहना, जो प्राप्त नहीं हुआ उसको लेकर के मन में सोच करते रहना, इसे भी संतोष नहीं रहेगा। ठीक है, इन सब चीजों को जब हम ट्राई करते हैं अपने लाइफ में, टेस्ट करते हैं, तब पता चलेगा कि हमारे जीवन में संतोष है कि नहीं। सामान्य रूप से सबको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो बहुत संतोषी हैं, लेकिन क्या वाकई में संतोषी हैं, वाकई में संतोषी क्या कब कहे जाएंगे, जब एक दो चीजें अगर हमारी अभी हमसे ले ली जाए और फिर भी हम गए अरे इट्स ओके, हम तो जी लेंगे इसके बिना भी, है ना, और फिर कहें कि मैं संतुष्ट हूं, तब समझ में आएगा। ठीक है ना। हाँ चारू, कुछ कहना चाह रहे हाँ, हैं? आपने अभी कहा ना कि जैसे कोई चीज हमें नहीं मिली है या फिर बाद में थोड़ी ज्यादा की मिल रही है तो हमें लगता है कि पहले मिल जाती है, पहले ले लेते तो अच्छा रहता। तो जी ऐसी थॉट तो अक्सर आ जाती है, मतलब तो थॉट आके हमें उस पर विचार ज्यादा नहीं करना चाहिए, राइट? मतलब या थॉट आना भी, मतलब वो आनी भी नहीं चाहिए उस टाइप की।
हाँ, थॉट आई है तो कहीं ना कहीं संस्कार तो है, ठीक है ना। अदरवाइज थॉट ही नहीं आएगी कि लेट्स से आपने कोई बाजार में लेने गए चीज और आपको लगा कि वो थोड़ी सी अभी नहीं खरीद पा रहे, आपकी कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल। और आप घर आ गए, बाद में लगा कि भाई चीज तो अच्छी थी और किसी तरह कर लेते मैनेज, आज अब कर लेते और खरीद ही लेते, है ना। तो अब उसके बारे में आप सोच रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं भी सोच रहे, चलो एक बार भी सोच आई, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा था कि आपके अंदर वो जो सेविंग मोड कह लीजिए या एक पैसे से अट्रैक्शन रहता ना कि नहीं, या कुछ भी इस तरह की फीलिंग आना, तो कहीं ना कहीं संस्कार था। अदरवाइज आप उसके बारे में या तो उस समय नहीं सोचते या बाद में नहीं सोचते, ठीक है, एक सेकंड के लिए भी सोच नहीं आती, ठीक है, ठीक और कंटिन्यूअसली नहीं सोच रहे उसके बारे में, सिर्फ एक ही बार आके रुक गए तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जो जितनी बार सोचेगा उतनी बार वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है, ठीक है ना। जब हमारे आज के लाइफ क्या है, हम यूएस में रहते हैं और हमारी लाइफ में हर सुख सुविधा है ना। हम थोड़ी सी भी तकलीफ में जब जाकर रहकर आए और तब सब कुछ बड़ा अच्छा सा जीवन था, बड़े मजे आए, ऐसा आपके चेहरे पर संतुष्टता दिखाई दे, तब जाके हम कह सकते हैं हम संतोषी हैं, ठीक है। आज सब कुछ होते हुए हम ये कहें हम तो बहुत संतोषी हैं, ये ठीक नहीं रहेगा, है ना। इसमें नुकसान अपना ही है, हमारा नुकसान कैसे है तो हमें रियलिटी से का पता नहीं चलेगा, ठीक है। एक आध दिन हाथ बढ़ाने पर भी अगर सपोर्ट ना मिले, चीजें ना मिले, तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट जो की तो बनी रहे, तब समझ लेना कि अब आ गया हमारे भीतर हर स्थिति में आनंदित रहना, ठीक है। संतोष होने का और कोई पर्पस नहीं है, पर्पस है अंदर की खुशी जो है हमारी, वो नहीं जानी चाहिए, हर परिस्थिति में प्रसन्नचित बने रहना, ठीक है। तो ये काम होता है संतोषी प्राणी वाल के अंदर ही, है ना। और हम देखते भी हैं, आई नो फ्यू पीपल हु आर लिविंग देयर लाइफ विद फुल सेटिस्फेक्शन, तो उनके पास जाने में, उनके ऑरा में बैठने में ही इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जीवन कैसा है, हर समय कोई ना कोई तनाव बना है ना। और वो तनाव किस लिए बना है, क्योंकि हम एक रेस में हैं, कहीं ना कहीं भाग रहे हैं बस, ठीक है। तो जब आप उन शांत लोगों के पास बैठो ना, तो आपको अलग ही तरह की शांति मिलती है। तो आप सोचिए कि ऐसे लोगों के पास बैठने से शांति मिल रही है, तो अगर आपके अंदर वो गुण आ जाए तो आप ही उस शांति को हर समय के लिए अपने अंदर पा सकते हैं। अब आपको वो पर्सन को ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके अंदर ही वो आनंद है, ठीक है। जो प्राप्त है उसके लिए एफर्ट तो करना, लेकिन वरी नहीं करना, चिंता करने से कुछ नहीं हासिल होगा, चिंता चिता के समान बताई है, ठीक है। कोई भी चीज की प्राप्ति संक्लेश से नहीं होती, कैसे होती है, विशुद्धि बढ़ाने से होती है, विशुद्धि मतलब पुण्य बढ़ाने से, ठीक है। संक्लेश से, रोने धोने से, अरे हमारे पास नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा करने से नहीं आएगी, कैसे आएगी, हमारे अंदर जो विशुद्धि होती है एक्चुअली अच्छे भाव, ठीक है। अच्छे भाव से क्या होगा, अच्छे भाव मतलब शांत रहना, ठीक है ना, शांति वाले भाव, इट्स ओके, अभी नहीं आई, जब आएगी, जब किस्मत में होगी तब आ जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे भी हो सके अपने आप को शांत रखने से क्या होगा, फिर पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है तो जिस चीज की हमें थोड़ी भी इच्छा थी या पुण्य है और हमें जरूरत है, तो वो चीज अपने आप हमारे लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक साइंस है जिसे कि हमारे जैन आचार्यों ने पकड़ लिया था, उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की प्राप्ति संक्लेश से नहीं होती, इससे होगी विशुद्धि बढ़ाने से होती है। विशुद्धि बढ़ती कैसे है, जो प्राप्त है उसमें प्रसन्नता महसूस करना, मतलब क्या कि संक्लेश मतलब होता है हाव हाव करना, लाइक
हर टाइम बेचैन रहना, क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं आई, है ना, कब आएगी, कैसे करूं, क्या कर दूं, क्या कर लूं उस चीज के लिए, क्यों नहीं आई मेरे पास, कंटिन्यूअसली इस बारे में सोचते रहना, दैट इज संक्लेश परिणाम। ठीक है, और विशुद्धि परिणाम क्या हुए कि अरे नहीं आई, इट्स ओके, जो है मेरे पास बढ़िया काम चल रहा है उससे, आ जाती तो भी ठीक था, नहीं आई तो भी काम तो चल रहा है ना, तो बाकियों से तो अच्छे है ना। ऐसे भाव रखने से क्या होगा, विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा, और वह चीज जो अभी तक सोच रहे थे कुछ आ जाएगी तो ठीक है, तो वह भी मिल सकती है। ठीक है, तो क्या कहा, मेरा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, उसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, ये भाव हमेशा बनाए रखना, तो अपने एफर्ट्स लगाए रखना और वरी नहीं करना कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, ठीक है ना, तब जा करके हमारे जीवन में ये अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ यानी संतोष पूर्वक जीवन यापन होता है। कोई क्यों बहुत अधिक आरंभ करता है, कोई क्यों बहुत अधिक परिग्रह की आसक्ति रखता है, क्यों रखता है, कभी सोचा आपने, है ना, क्यों उसकी अपेक्षा से ज्यादा बढ़ जाती है, अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं कि ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, है ना, कि सबसे ज्यादा बड़ा रीजन क्या है, हम हर समय ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए क्यों करते रहते हैं, क्योंकि जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो घर में हमने 100 चीजें भर रखी हैं और फिर भी हम इकट्ठी करते रहे, इसका क्या मतलब है, हमें वो 100 चीजों की वैल्यू नहीं दिख रही, इसलिए हम भाग रहे हैं और चीजों के लिए, और जिसको वो 100 दिखती रहे वो कहेगा अरे भाई जो 100 है पहले वही बहुत सारी है, वही नहीं संभलती और लाके क्या करेंगे, है ना, तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह कौन करेगा, जिसको जो है वो दिखने लगे, ठीक है ना, ये साइकोलॉजी है, जो चीज प्राप्त हो जाती है लाइफ में फिर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। हमने लेट से बहुत मेहनत करके कोई डिग्री हासिल करी, ठीक है, अब उस डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं है, अब नेक्स्ट क्या चालू होगा, जॉब करनी है, जॉब हो गई, एक जॉब मिल गई तो इसमें प्रमोशन कैसे लूं, प्रमोशन हो गया फिर और आगे कैसे बढ़ूं, है ना, तो क्या हो रहा है, मिलती जा रही है चीजें उसकी तो वैल्यू है नहीं, अब नेक्स्ट क्या करूं, परेशान होते रहना, है ना, तो ये एक साइकोलॉजी है, ये आपके साथ या मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे साथ बेस्ट पार्ट क्या है, हमारे आचार्य, हमारी जो कह लीजिए संस्कृति है ना, जिस संस्कृति से कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, वो एक संतोष प्रधान चीजों को सिखाने वाला है ना, क्या होता है देखो, हमारे सामने आसपास में जितने साधु संत होते हैं, हम उनसे उनको देख कर क्या फील करते हैं, देखो उनपे तो कपड़े भी नहीं है, है ना, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान देखो, ठीक है, तो अगर ऐसी साधु ऐसे लोग हमारे आसपास होंगे तो हमारे अंदर भी ये उम्मीद ये साहस बना रहेगा कि जब वो रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ठीक है ना, तो इस वजह से हमें इस बात का भी हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि हम कितनी बढ़िया संस्कृति के साथ जुड़े हैं, संस्कार कैसे मिले हैं हमें, शांत रखने वाले संस्कार, हाँ है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये कि हम मनुष्य भी बने तो साथ में ऐसी संस्कृति से जुड़ गए जो अपने आप में बहुत रिच है, जो अपने आप में हमें सही रास्ते पर ले जाने वाली है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे गुरु हैं सही रास्ता दिखाने वाले, हमें तो सिर्फ चलना है ना, कोई मारा मारी नहीं है। यस, अंकित शेयर कर रहे हैं, आई बिलीव बींग बोर्न इन अ जैन फैमिली इज द मोस्ट वैल्युएबल थिंग इन दिस वर्ल्ड विच वी रियली गॉट फ्रॉम गुड कर्मा ऑफ प्रीवियस बर्थ एंड वी शुड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म टू फुली यूटिलाइज दिस वैल्युएबल लाइफ, वेरी वेरी ट्रू, बहुत ही शानदार लिखा भी है और शेयर भी किया है, बहुत मन के भाव है ये, है ना, और ये भाव हर एक के अंदर में, ये प्राउड फीलिंग हर एक के अंदर में आनी ही चाहिए कि हम जैन एंड आई वांट फैमिली। टू ऐड समथिंग चारू जी. यस मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे अच्छे टाइम पर भी हुए हैं
वो भी एक बहुत बड़ा मतलब पुण्य का काम है कि अभी हम महाराजियों को भी सुन पाते हैं, यहाँ बैठे हैं यूएस में पर उनकी बातें सुन पाते हैं, और इतने सारे वीडियोस, मतलब हम कोई कहानी सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं, और आप ये क्लासेस वगैरह करा रही हैं, ये सब भी बहुत पुण्य का है। आपको बहुत बहुत थैंक यू है। ये सब थैंक मुझे यू सो लगता है कि वी मच। आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस इंटरनेट ऑल्सो। बिल्कुल सही है, आप जितना मर्जी ग्रैटिट्यूड में छोटी से छोटी चीजों को ला सकते हैं, है ना। जितना ज्यादा लाएंगे आप ये फील करेंगे कि अरे मेरी लाइफ में तो इतना सब कुछ है ना। तो उससे क्या है, हमारा अंदर का ऑरा भी क्लीन होता है, साइंटिफिक है सब कुछ। कहीं पर भी ये बे सिर पैर की बातें नहीं है। पूरा जैन धर्म जो है लॉजिक के साथ काम करता है, हर एक के साथ सेम अप्लाई होता है, किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं है, ठीक है ना। जो फॉलो करेगा उसकी लाइफ बदले बिना नहीं रहेगी। फिर ठीक है, तो अंदर में ये देखना कि हमारे पास क्या है, उस पर हमें अच्छा फील होना, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ऐसा हम नहीं करते, इस वजह से हम परेशान रहते हैं। हमें जो चीजें हमारे पास हैं हम उसका कभी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। अरे ये चीज तो हमें मिली नहीं, अरे इसके लिए अभी सुबह सुबह उठ के फिर से चालू कर दो, है ना, फिर से ये कुछ तो करो कुछ तो करो। समझ रहे हैं आप किस तरह के भावों के साथ हम अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। जो चीजें हमें इजीली मिल गई हैं हमारे लिए उसकी महत्ता इम्पोर्टेंस नहीं रहती। सोच सोच कर हम आनंदित होते थे कि वो चीज जिस दिन मिलेगी तो क्या ही बात होगी उस दिन, है ना। अब मिल गई तो ठीक है, मिल गई। अब जो वो दूसरी चीज दिखाई देने लग गई जो अभी तक नहीं मिली, तो ये क्या है, हमारे मन की प्रवृत्ति है। मन हमें अच्छे, हमें आत्मा की ओर जाने नहीं देता, क्योंकि तो हमारे संस्कार वैसे पड़े हैं। मन जो है हमें बाहर में भटकाता ही रहता है, हमें डिससैटिस्फाइड बनाए रखता है ताकि हम भागते रहें, ठीक है ना। और जब हमें वो चीज मिलती है तो हमें मिलने पर उतना सुख नहीं होता और दुख शुरू हो जाता है कि अब दूसरी चीज जो नहीं मिली ना अब उसको पाना है, ठीक है ना। मोर एंड मोर चाहिए, है ना। तो वो चीज में हम सब उलझ गए हैं एक्चुअली। आप सोचिए पहले के टाइम के लोग बहुत बहुत शांत भाव से अपना जीवन बिताते थे। घर में 10 चीजें रहती थी, बस उसी से उनका जीवन पूरी तरह चलता था, है ना। तो ये चीज को हमें कहीं ना कहीं एनालिसिस करना होगा, कि जब मुझे हमें क्या एनालिसिस करना होगा, मुझे जब कोई चीज नहीं मिलती तब मैं कितना आकुल व्याकुल होता हूँ, या कि कम होता हूँ, ज्यादा होता हूँ, नहीं होता हूँ, बिल्कुल नहीं होता हूँ, थोड़ा होता हूँ, ये सब भी जो है हमें अपने अंदर एनालिसिस करना होगा। बाहर से कोई नहीं बता पाएगा कि आप दुखी हैं कि नहीं, है ना। अंदर ही अंदर हो सकता है कई लोगों को घुटते हुए भी अपन देखते हैं, दूसरों को देख देख के जो जेलस होते रहते हैं ना, आप उनकी शक्ल पे भले ही ना जा पाए, देख पाए वो चीज को, लेकिन अंदर ही अंदर उनके चलता है जो, जिसकी वजह से वो खुद दुखी हुए रहते हैं कि मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है ना। तो उनके खुद के पास जो है उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जो नहीं है उस चीज को लेकर वो अंदर ही अंदर सूखते रहते हैं। तो ये भी एक स्वभाव बन जाता है, नेचर बन जाता है, ग्रीडीनेस का कह लो इसको, हमारा लालच कह लो बस, और या मान कह लो, सब कुछ होना चाहिए हमारे पास। हम में कोई कभी के आके कह ना दे कि अरे ये है नहीं तुम्हारे पास, तो हमारे कान जो है उस चीज को सुनने के लिए रेडी नहीं रहते, जबकि रियलिटी क्या है ना। नहीं है तो ठीक है, क्या सबके पास सब कुछ हो जरूरी तो नहीं है, कहीं पर लिखा तो नहीं है। हमने तो कहीं पर भी शास्त्र पढ़ लिए इतने सालों से, किसी भी शास्त्र में ये बात नहीं लिखी कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास आपकी आत्मा है, उसके गुण है, वो बहुत है, हर जगह यही लिखा है। आपको कुछ बाहर से नहीं चाहिए, सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो इस चीज पर भी थोड़ा सा हमें सोच
डालना चाहिए कि हम दुनिया के बहकावे में ना आए। वो जिस तरह से हमें मापदंड करते हैं, जज करते हैं, हम उसको ना सुन के मेरा क्या वैल्यूज हैं, मेरा क्या गोल है, उसको बार 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 अपनी आंखों के सामने रखें और उसको डेली सुबह एक बार देख लें ताकि दिन भर वो चीज याद रहे, और फिर शाम में एक बार एनालिसिस करके देखें कि कितनी बार हम उस गोल को भूल गए, कितनी बार हम मिसगाइड हो गए दुनिया की वजह से। विच इज काइंड ऑफ हार्ड बिकॉज हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां पर हमारे पास कई बार 2 मिनट बैठने का समय भी नहीं रहता, हम बस भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 2 मिनट निकाल कर बैठना होगा हमें अपने लिए, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो धर्मी दिख रहे हैं, धर्मात्मा दिख रहे हैं, वो भी अगर वो भी संतोषी हो ये कोई जरूरी नहीं है, है ना। तो कैसे, जैसे मान लीजिए किसी ने चौका लगाना है, चौका जानते हैं मतलब क्या होता है, उन्हीं महाराज को आहार कराना हो तो अपने चौके में स्पेशल ध्यान रखकर कुछ चीजों का, तब जाके आहार बनता है, भोजन, आहार मतलब भोजन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके हिसाब से मैनेज करते हैं कि भाई जैसा मुनि महाराज आहार लेते हैं वैसा हम करें। और लेट से आप 4 दिन से लगा रहे थे, कोई नहीं आया, कईयों के तो महीना महीना हो जाता है कोई मुनि महाराज नहीं आते, है ना। तो दुख मानते हैं कि कोई नहीं आया कोई नहीं आया, अब लेट से उनके कोई मुनि महाराज आ गए, है ना, खुशी हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तो खुशी हो गई उस दुख को मिटाने की जो अभी तक चल रहा था, 1 महीने से कोई नहीं आ रहा था और अब कोई आ गया, ठीक है। अब लेट से फिर से 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, अब क्या हुआ, अब फिर से तकलीफ शुरू, 4 दिन हो गए अभी तक कोई नहीं आया, है ना। तो क्या हो गया, अब वो जो पहले हो गए चुके हैं 4 दिन पहले, उसकी खुशी तो हो गई खत्म, ठीक है ना। अब शुरू हो गई फिर से एक नई तकलीफ, ठीक है ना, हो गए इसका कोई आनंद नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो जो दूसरे के घर 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, उसकी तकलीफ हमारे को खाने लग जाती है। समझ रहे हैं आप किस तरह से हम अपने लाइफ को डिस्टर्ब करे रहते हैं। ये प्रवृत्ति हमारी सबके भीतर है, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ लेकिन दूसरे का बेनिफिट हो गया, ये तकलीफ। आई होप आई आप लोग समझ पा सकते हैं इस बात को। अगर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो थोड़ा सा सोचिएगा, इट्स वेरी कॉमन थिंग। एक ह्यूमन साइकोलॉजी में ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली है। ह्यूमन बने तो हम हैं शांत परिणामों को रखने से, सरल परिणामों को रखने से, लेकिन अब हमारी प्रवृत्ति क्या हो गई, हम बहुत मानी हो गए, लालची हो गए, है ना, संक्लेश में रहना हमारा स्वभाव बन गए। तो आई थिंक यहीं तक रख सकते हैं। किसी को यहाँ पर कुछ डिस्कस करना है, शेयर करना है तो प्लीज फील फ्री। बात समझ में आ रही थी, मानी मतलब अभिमानी हो गए यही ना। मानी मतलब अभिमानी, अहंकार है कि हमसे आगे कोई नहीं निकलना चाहिए, एटलीस्ट हमारी जिस सोसाइटी में हम हैं उसमें वी शुड बी द बेस्ट। ओके थैंक यू। बिल्कुल सही है अंकित जो आप शेयर कर रहे हैं कि हम भाग रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे, है ना, बाय लुकिंग एट पीपल अराउंड अस। यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे चारों तरफ लोगों के पास क्या है, मुझे उससे बेटर कमाना है, मुझे उससे बेटर चाहिए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं। हमारे पास जो है अगर हमारा काम उसमें अच्छे से चल रहा है ना, तो सोचिए यहाँ पर क्या कहा, स्वभाव मार्दवम च, तो हम शांत रहेंगे, जो है उसी में खुश रहेंगे तो हम क्या पाएंगे, मनुष्य आयु। और हम इस तरह से भागते रहेंगे तो क्या पाएंगे,
अनचाही हो। सोचिए, अक्लमंदी किसमें है? या हम क्या बेवकूफी कर रहे हैं? भले ही हम उन मटेरियलिस्टिक चीजों को अल्टीमेटली पा भी जाएं, ठीक है, लेकिन अपने अपनी शांति को खोकर उन चीजों को अगर पाया भी है, तो हमने क्या कर लिया? अपने लिए तिर्यंच आयु को क्रिएट कर लिया। अब ये चीजें तो अगले भाव में मिलने से रही, और क्या होगा? तिरस्कार ही भोगना पड़ेगा, डिसरिस्पेक्ट ही हर तरफ होगी। जिस रिस्पेक्ट को पाने के लिए मटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा कर रहे थे, आगे चल के नो मैटर व्हाट हमें तिरस्कार डिसरिस्पेक्ट को ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने किसकी डिसरिस्पेक्ट की? हमने अपनी सोल की, जिसका कि पर्पस क्या था? सुखी से रहना, शांत रहना, संतोष से रहना, हमने उसकी डिसरिस्पेक्ट की। मेक सेंस? कहाँ गलती कर जाते हैं? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? मतलब अपन दूसरों को देखने में ज्यादा बिजी रहते हैं कि उसके बिल्कुल पास ये अच्छा है, मेरे बिल्कुल पास, मैं क्यों नहीं कर सकता इतना, मैंने क्यों नहीं कर लिया इतना। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज में मतलब रहता ही है नेचर ऐसा कि अपन कुछ हाँ, तो उस अपन नेचर दूसरे से को, ज्यादा बड़ा, अच्छा अपन दूसरे से ज्यादा अच्छा करना, सब चीज अपने दूसरे से ज्यादा अच्छी चाहिए, मतलब हर क्योंकि जगह आती है हमारे, चीज सामने में, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जन्म के संस्कार, हमारा एनवायरनमेंट, जबकि अपने को चाहिए कुछ नहीं होता है, पर फिर भी क्यों आती है चीजें। यस। आप उस चीज पर मन चाहिए क्यों आती है? क्योंकि दैट इज हाउ वी ग्रू अप, दैट इज द एनवायरनमेंट वी हैव गॉट, ठीक है? तो ऐसा संस्कार नहीं पर हमारे, आज आज आती, पहले कभी नहीं आती थी, तो क्यों ऐसा क्यों, मतलब अपन ने अपने संस्कार बदल लिए। पहले कभी नहीं आती थी का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? नहीं देख मिस, पहले अपन बहुत नॉर्मल रहते थे, मतलब अपने किसी से कुछ लेना ना देना कुछ मतलब नहीं था, अपन अच्छे से अच्छा चाहते थे सबका करना, नहीं, पहले मतलब आप अपनी पहले लाइफ इसी लाइफ में, अपनी लाइफ में बात बोलते अपन, हाँ कि कर मतलब वो कंपटीशन नहीं आती थी, मतलब उसके लिए टाइम ही नहीं होता था, शायद ऐसा हो सकता है कि ना, हो अपन सकता अपनी है लाइफ या में इतनी हाँ बिजी रहते होंगे। हाँ ये भी है, प्लस ये भी है कि हमारे अंदर इतनी सरलता थी, हाँ अब डिफरेंट इनसिक्योरिटी आने लगती है तो ऐसा होता होगा कुछ, था, है ना? एनवायरनमेंट डिफरेंट था, सबका हाँ वो सब था, एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा हाँ है। ये भी फर्क पड़ता है, सही है, एनवायरमेंट का काफी है। यस, ओके आई अंडरस्टैंड, थैंक जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यू। चलिए, हाँ दीदी, हाँ मैं ये जी, बोलना चाहती हूँ जैसे कई लोगों के अंदर कि वो क्या कर रहा है वो भावना भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो ये जो अपने धर्म की बातें होती है उसको बोलते हैं, तो वो सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? इसका क्या मतलब, कोई योग होता है, क्या बात होती है जैसे उनका अच्छा मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है। तीव्र मोहनीय कर्म का उदय होता है ना, तब हमको धर्म की बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा वो तर्क दे देते हैं ना, हाँ तो जैसे बोल नहीं पाते हाँ अपन। दैट इज ओके। आपको उसके लिए सिर्फ करुणा अंदर में रखनी है कि इसका वो मोहनीय कर्म कम होगा, कम हो, ताकि इसको धर्म की थोड़ी बात समझ में आए। लेकिन उसके लिए ना तो परेशान होना कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है ना। जब कर्म का थोड़ा सा शांत होगा तो शायद समझ में भी आ जाएगी। आप कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहिए शांति के साथ, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस हाँ करते जाइए। तो क्या बोले उनको जिससे थोड़ा तो उनको वो लगे, हम जैसे हम अपन जैन धर्म में लिया है, हाँ तो भाई अपन उनको बोले हैं हफ्ते में एक बार तो आप मंदिर जाओ, तो वो तो सुनना ही नहीं चाहते हैं हाँ, तो क्या बिल्कुल। होता है, साइकोलॉजी होती है ना। कई बार हमारे दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाती हैं और हमने एक बार ठान लिया कि ये हमारे लिए, हमें नहीं मंदिर जाना, क्या डर। तो उन्होंने हाँ, अपने लॉजिक से कुछ डिसाइड डिसीजंस ले चुके हैं, तो ले चुकी अब हैं, उसको तोड़ना, उस लॉजिक्स को काटने के लिए हाँ, बहुत बहुत एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है? अच्छा, और आप अपनी तरफ से काम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो इनफ ना हो। हो हाँ, सकता है उनके लिए निमित्त कुछ और जरूरी हो, बिल्कुल, और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना चारू जी कि हम उसको बोले हैं और वो अपना ही अपने को ऐसा बोले कि अपने दिल के दुख हो जाता है,
कि क्यों ऐसा हाँ है। उल्टा, कुछ तो उल्टा हाँ, सीधा बोल दे तो आपको फिर दुख सारा होगा। दिन वही मगज में घूमता रहता है। हाँ फिर नहीं, मेरे को तो अभी कभी मैंने रोना बोला भी आता कि इतना बोलना कि अपने को दुख बस। हो, ठीक हाँ है, तो कह के छोड़ दिया, ठीक है। और कई बार तो इनफैक्ट जिसका मोहिनी कर्म का तीव्र उदय हो और आपको समझ में आ बिल्कुल गया कि इसको हाँ, कह के बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब कम इसको कम ही कहो। तो हाँ ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो एक हाँ बार कहीं भी बात को भी नोटिस कर लेते हैं, लेकिन चेंज चेंज नहीं होंगे जब तक नहीं उनको होंगे। नहीं दिखाई दे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वही बात है। हाँ ऐसे में आपको अपने लाइफस्टाइल से शांत रहकर एक तरह से हाँ अपने जीवन में उस आदर्श को दिखाना होगा कि आपकी लाइफ में मंदिर जाने से क्या चेंज हुआ। ठीक समझ रहे हैं आप? जो बिल्कुल काम आप उनके लिए चाहते हैं वो करें, आपको हाँ, उसकी क्वालिटीज दिखानी पड़ेंगी बिना बोले, ठीक बिना बिल्कुल है। तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन से जब इस चीज को नोटिस करेंगे तो हाँ। अपने को ही नहीं ले जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, हाँ, अपने को ही नहीं नहीं ले जाएंगे तो कैसे बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे दीदी का कहना सही है, पर उसमें कितना टाइम लगे टाइम वो लगेगा, टाइम एंड पेशेंस दोनों चाहिए, लेकिन पेशेंस। आप एक जीव के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं तो हाँ उसी बिल्कुल, भावना कभी ना कभी फल देती ही देती है, ठीक पल देते हाँ। है ना। अपन तो उनके कल्याण के लिए ही सोच रहे बस हैं कि उनका संयम बढ़े। जो बस आज ये लोग जो आईटीज में काम करते हैं तो इतने वो हो जाते हैं ना, तो इनका दिमाग इतना पक जाता है, तो इनको कुछ सही चीज इनकी जो अपने धर्म में बता रखी वो आती नहीं है हाँ, लेकिन आप शांति। विश्वास रखिए कि कोई भी, देखिए मनुष्य है ना, मनुष्य हाँ के अंदर सरलता तो इनबिल्ट होती है, वो हमने लेकिन अलग कर दी होती है और हम कठोर अलग बन जाते बिल्कुल बिल्कुल हैं। तो उस हाँ चीज पर विश्वास रखते हुए कि मनुष्य है तो कभी ना कभी तो पिघले, ठीक पिघले है। तो अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिए, और कुछ नहीं तो पॉजिटिव वाइब्स, दीजिएगा ठीक है, बिल्कुल उसका भी समय अच्छा हो, उसको भी ये विचार अच्छे बदले, उसको हाँ बिल्कुल। सदगति अपने सद हाँ मिले, सदगति ये इनको भी थोड़ा ऐसा पुण्य ऐसा आए कि हाँ। तो बस ऐसे विचार करते रहिए। मैंने बहुत लोगों को बदलते हुए देखा, उस हाँ। एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहे जाती क्योंकि अपन जो सोचेंगे तो वाइब्रेशन उनके पास जाती है, ही जैसे जाती आपने बताया अभी, है, यस है ना। बिल्कुल जाती है। आप हाँ बिलीव नहीं करेंगे कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि वो पर्सन बदल गया। जिस दिन आप हाँ ऐसे बात करेंगे ना, आई एम सॉरी मैन, मैंने पहले क्यों नहीं रियलाइज किया, आपकी हाँ आंखों में आंसू छलक पड़ेंगे, खुशी के आंसू, बिल्कुल हाँ ठीक ठीक है ना। तो जस्ट पेशेंटली वेट करिए, पेशेंस यहाँ पर सिखाई जा रही है। तो ये सिर्फ पेशेंस, जो अभी संतोष वर्ड हमने बोला है ना, तो दूसरों को सिखाने के लिए भी संतोष रखना हाँ है ना। ये जीवन बिल्कुल के हर पहलू में यूज होगा, ऐसा नहीं कि चीजों पर ही अप्लाई होगा, लोगों के साथ हाँ डील करने में, रिलेशनशिप में भी पेशेंस यूज होगा। हाँ और दीदी एक ये कैसी भावना बन गई है ये आजकल के लोगों में, एक बार बोल दिया दोबारा बोलते ही तो बोलते बोला ही क्यों दोबारा। अब ये अरे बड़ा टाइम जो अभी प्रॉब्लम बताया ना, पेशेंस वो पेशेंस नहीं रही, हाँ। दोबारा बोलना तो इन लोगों को इतना वो लगने लग गया, जबकि अपन पहले अपने को बड़े 4 बार बोलते थे तो अपन हाँ। को अच्छा लगता था, है ना। तो ठीक है उसमें कारण बिल्कुल अगेन हमारा आज का एनवायरनमेंट हो गया है। तो अगेन हाँ इसमें भी पेशेंस जरूरी है, ऐसा एनवायरनमेंट है तो है, राइट। दूसरी दफा नहीं बोलने का, अपने को बस जाना पड़ेगा। ओके ध्यान देना, शांत रहना है, नहीं सुन रहे शांत रहना राइट। मेरे को चलिए शांत रहने की कोशिश करने जी। की और किसी को कुछ शेयर करना है हाँ ठीक है बिफोर? दीदी थैंक यू। हाँ एक रितु, चार में मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे मतलब मैं बचपन से ये सोचती आ रही हूँ कि मेरे को अपने फ्यूचर की लगी रहती है, और हाँ ये जितना भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी परेशानियां मैं ले रही हूँ वो मुझे ये सोच के आती हैं कि मुझे आगे के लिए ज्यादा सोचती हूँ मैं हाँ ये तो। सबके साथ हो रहा है,
हाँ तो इस चीज पे आगे के कंट्रोल लिए, नहीं मतलब होता फ्यूचर आगे के लिए, मतलब जो अभी फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर भी कितना फ्यूचर, तीन फ्यूचर साल चार इसी साल लाइफ का भी तो चल रहा है लाइफ का। कि अगला जन्म तो हम कुछ गलत, मैं मान के चलती हूँ कि नहीं कर रही हूँ या कोशिश कर रही हूँ कि किसी के साथ गलत नहीं करूँ, तो हाँ मुझे इस बात पे भी कॉन्फिडेंस है कि मेरा फ्यूचर अभी भी आगे भी अच्छा ही है और अगला जन्म भी मैं मान के चलती हूँ कि मैं जो भाव रखती हूँ उससे मुझे नहीं लगता कि मुझे पशु गति या बहुत किसी सुंदर। हाँ ऐसी नीचे की गति में जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं ये सोच के क्यों रहती हूँ कि मुझे चिंता फ्यूचर की क्यों रहती है कि आगे हाँ क्या होगा, आगे क्या होगा। और हालांकि मैं इस बात में कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मेरा जैसा आज तक मेरे को कोई परेशानी नहीं, किसी भी तरह की कोई रिग्रेट नहीं, तो इसका मतलब आगे भी नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, ये बात भी मेरे को श्योर है। फिर भी मुझे किस चीज की मुझे चिंता होती है मुझे समझ नहीं आता। हाँ तो ये एक तरह की एक टेंडेंसी बन जाती है, ठीक है। ये एग्जैक्टली यही आज हमने पढ़ा है ना, कि हम, हमारे पास जो है हम उसमें प्रसन्न नहीं होते, हम आगे क्या चाहिए उसके लिए वरी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और वो इतना ज्यादा इनबिल्ट हो गया हमारे अंदर कि हमें रियलाइज ही नहीं होता, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली हमें मिलता जा रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली चीज के लिए फिर वरी कर रहे हैं, फिर वो मिल गई, फिर वरी कर रहे हैं। तो वो ऐसा फील होता है कि अरे हम तो कंटिन्यूअस ही वरी कर रहे हैं, और राइट। एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं, जो मिलता जा वो रहा है नहीं उसको कर रहे एंजॉय भी ना। नहीं कर हाँ रहे हैं। तो वो यही करना है, बैठ के 5 मिनट दिन भर में देखना है हमें क्या मिला है, ठीक है। 5 मिनट सिर्फ, चारू जी, कुछ मैं नहीं। यहाँ बोलूँ कुछ, हाँ एक बोलिए एक क्वेश्चन बस, सबसे जितने भी जी। यहाँ आए जिनके भी मन में ये क्वेश्चन उठता है, किसी को भी पता है आज सोने के बाद कल कितने जने उठने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल कोई सही। उठने वाला? हाँ तो फिर फ्यूचर की टेंशन करना मतलब ठीक आज है, उस टाइम में नहीं। जितना हम लोगों को मिला है उतना बहुतों को नसीब नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो हमें बहुत सीखने की जरूरत है, लेकिन आपने ऑलरेडी एक पाँव आगे बढ़ा दिया है। इस बात के लिए भी अपने आप को पैक करना चाहिए, ठीक है। अच्छी बातें सीखने का मन बना लेना भी बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। जैसा कि आपको बताया, सब लोग भाग रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहीं से शुरुआत करो, आज ही अपने आप को पहले शाबाशी दो इस बात के लिए कि तुमने इतना अच्छा काम तो किया एटलीस्ट अपने लिए। फिर बैठो, ग्रेटिट्यूड फील करो जो है चीजें हमारे पास, ठीक है। तब देखना लाइफ में अपने आप वो वरीज कम होने शुरू हो जाएंगे। और बच्चे रात को ही पढ़ते हैं और दिन को सोते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कि वो कैसे ये बात करेंगे, ऐसा कह रहे हैं आंटी मेरा मेरा पोता है ना, जी। तो रात को 3 बजे तक पढ़ता है, फिर जी सुबह 2 दिन में 9-10 बजे तक उठता नहीं, तो उसको कुछ बोलो तो कहीं ये बराबर है, तो हाँ उसके उसमें चेंज ला सकते हैं। देखिए, आज की जेनरेशन का तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात है, वो जिस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं उसमें वही लाइफस्टाइल चल रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पर अभी एक आदित्य जुड़ा है, ही इज बेयरली 20 ईयर्स ओल्ड, यू नो, एंड ही गिव्स ऑल हिज पॉसिबल टाइम टू लर्न। धर्म सीखने का उसका अंदर से है भाव, ठीक है ना। तो जिसको जब चेंज होना है वो उस हिसाब से अपना स्केड्यूल भी चेंज करेगा। तो जो बच्चे आज अपना 3 बजे तक का टाइम बनाकर बैठे हैं, राइट, वो दिन में सो रहे हैं, तो भी आप अगेन हीरा जी ने जो बात करी है ना, उसी हिसाब से पेशेंस रखिए। कभी कभी अगर वो परेशान दिखाई दे तब उन्हें बोल दो सिंपली छोटी सी बात की मेडिटेशन कर लो या कुछ भी, एक लाइन कह दी, ज्यादा नहीं प्रेशर देना, ठीक है। और उससे अगर वो माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, क्योंकि हर एक का अपना अपना जो समय है वो उसी हिसाब से चल रहा है जो है। वो बोलता है कि रात को शांति से कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, हाँ जी और आज दिन में का टाइम डिस्टर्ब है, होता है तो हाँ फिर आर्गुमेंट नहीं कर सकते हम। नहीं कर सकते, नहीं करना भी नहीं चाहिए। आप बस पेशेंस रखिए और जब मौका मिले तब अपना प्यार दिखाते हुए उनसे बड़े प्यार से वो बात को कही, ठीक
अच्छा दीदी ये कोई पाप कर्म का उदय ही होता है ना? हाँ, मोहनीय कर्म पाप ही कर्म है। अच्छा, तो इसको काटने के लिए जैसे कुछ अच्छा काटने के लिए उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, एक एक हाँ क्वेश्चन मेरा है अबाउट सरलता और कोमलता की जो हम बात कर रहे थे, कि लाइक कोई सरकमस्टांस है कि देयर आर टू पीपल, देयर रिएक्शन ऑन अ सर्टेन सिचुएशन। तो जैसे एक जना है कि वो कुछ गलत अगर हो रहा है, उसे बस वो शांत होकर देखता है, वो कोई रिएक्शन नहीं करता कि मुझे क्या करना, एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट एवर जॉब दे आर डूइंग। और एक दूसरा पर्सन है जो अगर कुछ गलत देख रहा है कि सामने हो रहा है, उसके लिए वो दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके लिए बुराई भी अपने ऊपर लेता है उनको सही नहीं। करने के लिए। सो इसमें सरलता और कोमलता किसकी ज्यादा है? बहुत अच्छा। तो अपने में क्या कहा गया है कि एक ही चीज के लिए जो छूट है, गलती, गलत देखना, जैसे होता है ना गांधी जी के 3 बंदर, है ना, तो हम कितना उसमें इन्वॉल्व हो, अगर हमारी किसी गलत को देखने के बाद हम शांत नहीं रह पा रहे, इससे अच्छा तो बोल देते, तो इट्स बेटर कि हम बोलते। क्यों? और एक है कि वो सोचता है कि मैं ही अकेला थोड़े ना समाज को बदलूंगा, मुझसे नहीं इन चक्करों में पड़ा जाता, है ना, तो वो करेक्ट शांत रहना पसंद कर रहा है, तो करेक्ट वो भी ठीक है, बात सारी शांति से रिलेटेड है ना। पर इसमें जो बोल देता है वो फिर गलत कहलाते हैं समाज में, उसी के अगेंस्ट वो लोग भगदड़ अलग पड़ती चीज जाते है, हैं। वो बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा, वो फिर बाद में उसको उन चीजों में फंसना पड़ता है ना। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर जो बात है अंदर के भावों की, अंदर के भाव अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं कुछ गलत देख के, और हमें लग रहा है कि नहीं मुझे बोलना चाहिए, बस वही बात हो जाती है। हाँ हाँ तो बोलेंगे और बोल के शांत हो जाएं, फिर ये नहीं सोचे कि उसने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी, आपको क्या बोलना था अच्छा बोल दिया, काम खत्म। अच्छा ठीक है, फिर आप उस पर ये मत सोचिए कि अरे उसने मेरे को रिस्पेक्ट दी कि नहीं दी, हाँ उसने मेरे साथ हाँ वैसा बिहेव किया कि नहीं जैसा मैं हाँ सोच रहा था, कुछ और एक्सपेक्टेशन नहीं। ठीक वो छोड़ना पड़ेगा। है, और एक जो पर्सन बिल्कुल किसी चीजों में नहीं पड़ रहा है, तो वो भी ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारे जो साधु हैं, राइट, वो नहीं पढ़ते, चल रहा है चल रहा है, जैसा समाज है चल रहा है, जब मौका मिलेगा वो उसके बारे में बोल देंगे, लेकिन हर एक का मुंह नहीं पकड़ते। पर राइट पाथवे क्या हुआ? हाँ, राइट बात, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, बात है शांत रह पाने की। अगर पहला पर्सन बोलने के बाद अशांत हो जाता है तो वो भी ठीक नहीं होगा उसके लिए, ठीक है, और दूसरा पर्सन नहीं बोले तो और फिर शांत ना रह पाए तो भी उसके लिए ठीक नहीं। तो जिस भी सिचुएशन में हमें शांत बैठ पा रहे हैं और वो अनैतिक नहीं है, है ना, वो कहीं ना कहीं सही चीज के लिए आपने आवाज उठाई है या सपोर्ट किया है, तो कहीं पर भी बुराई नहीं है उसमें, लेकिन क्या हर पर्सन कर सकता है ये काम? नहीं, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिए कि जो चुप है वो गलत कर रहा, नहीं है उसकी कैपेसिटी, नहीं है उसके अंदर की वो इच्छा शक्ति की वो इन झगड़ों में, इन चीजों में पड़े, ठीक है ना। तो हर तरह के लोग हैं, और अपने अंदर के भावों को संकलेश से बचाना बस। थैंक्स। चारू जी, मतलब हमें तभी बोलना चाहिए जब हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकें और दूसरे को भी उतना अफेक्ट, मतलब इमोशनली अफेक्ट ना होने दें कि वो परेशान हो जाए हमारे कुछ बोलने से, राइट। यस, बिल्कुल इनडिफरेंट होकर कि हाँ गलत है तो गलत है, मैं उसको गलत को सपोर्ट नहीं करूंगा, है ना, और क्या गलत है वो सब बता के फिर शांत हो जाओ, ठीक है ना, दैट इज ऑल यू कैन डू। लेकिन नहीं, मुझे पूरा बताओ, यदि मैं ही पूरे डिसीजन लू, परिवार सुनना ही नहीं चाहते हैं तो क्या करें? सुनना ही ना चाहते तो जितना चुप रहेंगे उतना अच्छा है ना। नाराज जी हाँ कहते हैं कि मैं सबकी बातें चुपचाप सुन लेता हूँ, है ना, लोग समझते हैं मैं कमजोर हूँ, ठीक अच्छा है, तो कहते हैं कि मैं उनकी ये बात भी सुन लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझसे व्यर्थ लड़ा नहीं जाता। ये महाराज जी की वर्डिंग है, लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन
तो हर तरह के लोग हैं, अपने अंदर की जो शांत भाव है उनको डिस्टर्ब नहीं होने देना। अच्छा, मतलब मैं भी यही सोचती हूँ कई बार जो आप बोल रही हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं करती, कोई कहता ऐसा है तो ठीक, चुपचाप होके अपन सरक जाओ, क्योंकि मालूम अपने मिलेंगे नहीं विचार, नहीं, मतलब अपने भाव बिगाड़ेंगे अपन उसमें, बिल्कुल अपने भावों को संभालना है, कुछ इसलिए। हाँ, बल्कि उनके लिए सोचो, उनको उनका समय अच्छा आ जाए बस, ठीक है। तो वो तो समझ हर बात जाए, सिचुएशन टू सिचुएशन, अलग अपना होंगे। विवेक, अपना पेशेंस हर जगह अप्लाई करना, अवेयरनेस को अप्लाई करना, ठीक है। हर जगह सेम मॉडल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं आज का, जिनवाणी से। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौवाणी सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय चारों जोर सभी जिनेंद्र, को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जय सभी को, जिनेंद्र। सभी को।